दिन दहाड़े उल्लू बनाता है, नकली नोट देता है। अरे पकड़ो पकड़ो कोई, पकड़ो कोई, क्या हुआ? नकली नोट लेके गया है। जो बस रोगी तेज चलाओ वरना गोली मार दूंगा। लगता है वो बच्चा पीछे रह गया। असली नोट चलाने में डरते हैं कि लड्डू सिंह आ जाएगा, और तुम लोग नकली नोट चला रहे हो। होशियार, आज की सनसनाती खबर मार्केट में फैल चुके हैं नकली नोट। नकली नोटों का कारोबार पकड़ रहा है रफ्तार, और इसी सिलसिले में लड्डू सिंह जी ने पकड़ा है एक आदमी को जिसका नाम लखा बताया जा रहा है। लड्डू सिंह जी, आपने उसे कैसे पकड़ा? अरे मैं कोई ऐसा वैसा इंस्पेक्टर थोड़ी हूँ, लड्डू सिंह नाम है मेरा, लड्डू सिंह, ऐसे ही थोड़ी फेमस हो गया। इस आदमी को पकड़ने में मैंने जान की बाजी लगा दी, बहुत बहादुरी दिखाई तब जाके पकड़ में आया। कल तक इसका बॉस भी पकड़ा जाएगा, ये मेरा चैलेंज है। सुन लो, चैलेंज है चैलेंज। बॉस बॉस, लाखा पकड़ा गया, और इंस्पेक्टर लड्डू सिंह ने टीवी पर कल तक आपको भी पकड़ लेने का ऐलान किया है। आवाज नीची, मुझे तेज आवाज में बात करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। नाम है असली राम, काम है नकली काम। कल देखना, नकली नोटों के गैंग का बॉस पकड़ा जाएगा। मार्केट में नकली नोट फैले हुए हैं, नोटों को ध्यान से देख कर लेना। ओके लड्डू सिंह जी। नोटों को ध्यान से देख कर लेना, नोटों को ध्यान से देख कर लेना। अरे अरे अरे, क्या इंस्पेक्टर साहब, ध्यान से देख कर लेना, ध्यान से देख कर लेना। चिल्ला चिल्ला कर आपके वार्निंग देने की वजह से लोग इतना डर गए कि कोई मेरा आधार का नोट ही नहीं ले रहा है। अब बोलिए, मैं कैसे सामान खरीदूंगा, कहाँ लेकर जाऊँ अपना ये नोट? अब आप ही को मुझे इसके चेंज करके देने पड़ेंगे। ओके यंग मैन, ओके, कोई बात नहीं, नाराज होने की जरूरत नहीं,
मैं तुम्हें अभी 1000 का चेंज देता हूँ। ये लो पैसे, मैं कुछ सामान बताता हूँ, लिख लो और घर भेज देना। मेरा नाम खबरदार सिंह है, मैं एक CID ऑफिसर हूँ और नकली नोटों के गैंग को पकड़ने आया हूँ। यकीन नहीं हो रहा कि ये गैंग एक पुलिस वाला चला रहा है। शर्म नहीं आती पुलिस इंस्पेक्टर होकर नकली नोटों का धंधा करते हो? अरे क्या कह रहे हैं आप, ये नोट नकली है? ठीक है, ये मेरा नहीं है, मुझे उस आदमी ने दिया है। अरे जिसने मुझे ये 1000 का नोट दिया था कहाँ गया? झूठ मत बोलो, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे 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 नहीं, आज चिंता मत करो, मैंने शिवा को बुलाया है, वो ही कुछ करेगा। ए बच्चे बाहर जाओ, ये कोई खेलने कूदने की जगह नहीं, पुलिस स्टेशन है। सर उसे पत्ता मत कहिए। सर मेरा नाम शिवा है, मैं लड्डू सिंह जी का दोस्त हूँ, मुझे उनसे मिलना है। अच्छा ठीक है, जाओ मिल लो। शिवा एक आदमी ने शिवा अब मैं क्या करूँ? आप चिंता मत करिए, हम उस आदमी को जरूर ढूंढ लेंगे। लड्डू सिंह जी को जिस आदमी ने फंसाया है उस आदमी का चेहरा भी तो हमें नहीं पता, फिर हम उसको ढूंढेंगे कैसे? एक आइडिया है, जहाँ लड्डू सिंह जी को उस आदमी ने 1000 का नोट दिया था वहाँ किसी एक दुकान का CCTV कैमरा तो उस साइड में फेस कर ही रहा होगा। देर किस बात की, चलो। वो रहा, वो देखो। हाँ? अब ये देखो कि ये आदमी नोट देने के बाद किस तरफ गया। ये सड़क तो मंडोला गांव की तरफ गई है। तो वो भी उसी गांव की तरफ गया है, हो सकता है उनका अड्डा वही हो। थैंक यू अंकल। चल रहा है, यहाँ इसके अंदर से कुछ आवाज आ रही है, चलो चलकर देखते हैं। अंकल यहाँ झोपड़ी के अंदर कोई कारखाना है क्या? नहीं तो, यहाँ तो कोई कारखाना नहीं है। तो ये खटपट की आवाज कहाँ से आ रही है? नहीं नहीं, यहाँ कोई आवाज नहीं आ रही है, तुम लोगों को वहम हो रहा है। अंकल हम लोगों को प्यास लगी है, पानी मिलेगा क्या? हाँ, अभी देता। तुम लोग अंदर क्यों आ गए? मैं पानी दे तो रहा था। नहीं अंकल, हमें खटपट खटपट की आवाज सुनाई दे रही थी, तो हमने सोचा देखिए आखिर ये आवाज आ कहाँ से रही है। देखो बेटा, यहाँ कोई खटपट नहीं हो रही है, मैंने कहा ना कि ये तुम्हारा वहम है, और हो भी रही हो तो मुझे ना कुछ सुनाई देता है और ना दिखाई देता, मेरी नजर भी कमजोर है। चलो अब बाहर चलो। ये रहा वो आदमी। हाँ, इसी ने लड्डू सिंह जी को 1000 का नकली नोट दिया था। अरे ये लोग अंदर कैसे आ गए? अरे पानी पीने के बहाने आ गए, कह रहे थे इन्हें कुछ खटपट सुनाई दे रही है।
खटपट तो इन्हें मैं सुनाता हूँ। बच्चे होकर बड़ों के काम में टांग अड़ाते हैं, बच्चे बनकर नहीं रहते। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा।